दिल्ली के भरतनगर से एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भरतनगर में तीन बदमाशों ने एक अरुण नाम के व्यक्ति पर खुलेआम गोली चला दी। गोली चलने के बाद अरुण कुछ दूर तक भागा, लेकिन बदमाश उसके पीछे पीछे भागने लगे। युवक का कोई साथ ना दे इसके लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। कुछ दूर भागने के बाद उन बदमाशों ने अरुण को तीन गोलियां मार दी, जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अरुण पर भी मर्डर के केस चल रहे हैं और अभी वो जमानत पर ही जेल से बाहर आया था। फिलहाल अरुण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से अनिल तिवारी के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।